नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक। इस वक्त मैं हूँ समाहर नाले पटना के समीप। यहाँ पर जो है लोदीपुर चांदमारी सड़क बचाओ आंदोलन से जुड़े लोग जो है आक्रोश आज फूट पड़ा है और ये लोग जो है पटना समाहर नाले पर जो है आंदोलन करने के लिए आए हैं। इस आंदोलन के दरमियान जो है पुलिसों से इनकी तीखी नोक झोंक भी देखने को मिली है और इन लोगों को जो है इन लोगों का वार्ता नहीं कराया जा रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी नोक झोंक चल रही है। शेखर सिंह, माधव प्रताप सिंह, सब सिटी मजिस्ट्रेट से सब जानते हैं, सब जानते हैं। सामान्यतः हजारों आदमी मिल रहे हैं ना, डेमोक्रेसी। वर्दी पहने वाले लोग हैं जिनको लाठियां चलवाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब कोशिश कर रहे हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हम पूरी तरह से धैर्यपूर्वक अपने आंदोलन को हर अनुमति नहीं मिला है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन जो वर्दी पहने वाले लोग हैं वो अभी सुन ले, वर्दी कौन पहनता है? किसान मजदूरों के बेटे बेटियां पढ़ते हैं पहनते हैं, या कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का बेटा बेटी नहीं पहनता है? किसान मजदूरों के बेटे बेटियां एक तरफ उनको वर्दी पहना कर और दूसरे तरफ जो उनके माता पिता है उनको उनके ऊपर में लड़ाने भिड़ाने की तैयारी की जा रही है। आप इस बात को सुन लीजिए, अगर हम लोग चाहते तो अंदर हम लोग घुस सकते थे, हम लोगों ने इस तरह का कोई चेष्टा नहीं किया। हम लोग तांत्रिक आंदोलन में विश्वास करते हैं। आपके पूर्व के जितने सिटी मजिस्ट्रेट हैं आप जानते हैं या ये सबको, अगर आप नहीं जानते हैं हम बोल रहे हैं कोई झगड़ा नहीं किया है, कोई झगड़ा नहीं किया है। आप जानते हैं ना, आप जानते हैं ना, हमारे साथ प्रदर्शनकारी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं कि इनका पूरा क्या मसला है। जी बताइए, आपका क्या नाम है? भागी भारती, AISF। तो यहाँ पर आप लोग आंदोलन करने के लिए आए हैं, इस वक्त अभी पुलिस से भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली है, तो क्या हो रहा था? आप देख सकते हैं कि चंदमारी गांव जो कि दानापुर के अंदर पड़ता है, उस गांव में लगातार 16 महीने से कोरोना के टाइम में अचानक से जब लॉकडाउन पूरे देश में जब हुआ, जब कोरोना की महामारी पूरे देश में जब फैल रही थी, उस समय इस लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए आर्मी के द्वारा उस रास्ते को बंद कर दिया गया। और उस वक्त जब पूरे देश में जब एम्बुलेंस पहुंचाने की बात की जा रही थी घर घर तक कि लोग किस तरह से सही समय पर उनको इलाज मिले, उसी समय में एक गांव को सारी सुविधाएं से दूर कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि लगातार 16 महीने से वहां आंदोलन चल रहा है लेकिन फिर भी वहां पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लगातार धरना प्रदर्शन मानव श्रृंखला भूख हड़ताल इत्यादि कर रहे हैं लेकिन फिर भी न किसी तरह का प्रशासनिक किसी भी तरह का मामला सामने आ रहा, कोई भी हमारा बात सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिले लेकिन फिर भी उसका कोई ठोस ये नहीं निकला। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब लॉकडाउन जब इस साल जब खत्म हुआ है तो उसी गांव में DPS स्कूल पड़ता है। आप देख सकते हैं कि DPS गांव में जो DPS स्कूल है उस गांव मतलब उस स्कूल के बच्चे उसी रास्ते से आ जा रहे हैं लेकिन गांव के जो बच्चे हैं, गांव की जो महिलाएं हैं, वो उस रास्ते से पैदल तक नहीं जा सकती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये क्लास सिस्टम का बात है कि अमीर के बच्चे उस रास्ते से आ सकते हैं लेकिन वही गरीब मजदूर जो हैं उनके बच्चे नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और आज हम जब DM घराव करने आए लगातार इनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन DM हमसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे तो आज इनका घराव किया गया। तो इस तरह से ये इनका क्या रवैया रहा आप भी देख सकते हैं। अभी हम लोग के लोग अंदर गए हैं, देखिए क्या बातचीत होती है, उसके बाद हम लोग का क्या ये निकल के आता है।
तो आपने साफ सुना कि किस तरीके से जो है पिछले 16 माह से जो है गांव के जो तमाम जो सुविधाएं, चूंकि रास्ता बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, 16 महीना पूर्व जो है सेना के द्वारा उसे बंद कर दिया गया है और लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो को जाकर के देखेंगे तो 2 दिन पूर्व हम जाकर के वहाँ के ग्रामीणों को जाकर के हमने बातचीत किया था। हालांकि यहाँ के कुछ प्रतिनिधिमंडल जो है आंदोलन से डीएम साहब से बातचीत करने के लिए गए थे, तो क्या उनकी बातचीत हुई है? हम उनसे बातचीत करते हैं, हमारे साथ हैं सुशील जी। नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई है। प्रशासन के द्वारा यह कहा गया था शुरू में कि आप लोग जितना डेलीगेशन है तैयार कीजिए। हम लोगों ने 7 लोगों का डेलीगेशन तैयार किया, फिर उसमें हम लोगों ने कहा और घटते हुए 5 लोग हम लोग जाएंगे, फिर अंतिम में हम लोगों ने कहा कि भाई 3 आदमी तुमने जाने दीजिए, एक महिलाओं की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एक ग्रामीणों की तरफ से और एक विद्यार्थियों की तरफ से आंदोलन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और यह लगातार आपका यह टाल मटोल कर रहा है प्रशासन और ज़बरदस्ती केवल आपका अपना बात कहना चाह रहा है। तो हम तो इस बात को कहना चाहते हैं कि जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल की बसें आ रही हैं जा रही हैं, उसी तरह ग्रामीणों को भी आने जाने दिया जाए, और इसी बात को लेकर हमारा आंदोलन यह जारी है। और पिछले दिनों जो मुकदमे किए गए हैं उस मुकदमे को वापसी के लेकर भी हम लोग बात करते हैं। इस वक्त कुछ नोक झोंक भी प्रशासन से देखने को मिल रही थी? देखिए ना, लगातार तो चल ही रहा है। ठीक है, धन्यवाद। तो इन लोगों का साफ मांगना है कि जिस तरीके से दिल्ली पब्लिक की स्कूल उस रास्ते से जाती है, उसी तरीके से जो है आम नागरिकों के लिए भी जो है वह रास्ते खोला जाए। जब तक कि कोई वैकल्पिक मार्ग जो है सरकार के द्वारा नहीं बनाया जाता है, तब तक जो है उस रास्ते से आम लोगों को भी आने जाने की इजाज़त दी जाए। यही मांग को लेकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तब और जिला प्रशासन सीधे तौर पर दुरंगी नीति अपना रहा है दिल्ली पब्लिक स्कूल की बसों के लिए। इसका दूसरा कानून है, वहाँ के अमीरों के जो बच्चे हैं वो बसों में बैठ कर जाएंगे और जो गरीब है वो पैदल भी नहीं चल सकता है। हमारे आंदोलन पर कोई बात नहीं करता है। एसटीओ दानापुर जो पूर्व एसटीओ थे विनोद दुहन, उन्होंने हमारे आंदोलनकारियों 5 साथियों के ऊपर में मुकदमा किया है। हम इस बात को कहना चाहते हैं डीएम साहब, जैसे आप देख रहे हैं कि पानियों में भीजते हुए जो प्रदर्शन जारी है, यह आंदोलन अब दबने वाला नहीं है, यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, यह आंदोलन आगे आने वाले दिनों में किसी ऊंचाई को पा सकता है। और हम जिला प्रशासन को केवल चेतावनी देने आए हैं कि जिला प्रशासन अविलंब हमारी मांगों को सुने। हम साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक वैकल्पिक रास्तों का निर्माण नहीं होता है, तब तक कम से कम उस रास्ते को खोला जाए जिस रास्ते को दिल्ली पब्लिक स्कूल के लिए खोला गया है। तमाम फर्जी मुकदमे को वापस लिया जाए और राज्य सरकार के द्वारा जो 4 प्रस्तावित नए रास्ते हैं उसकी बनाने की रफ्तार तेज की जाए। इसी बात को लेकर हम डीएम साहब के पास आए हैं और हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि दानापुर एसडीओ जो कि अपने आप को हिटलर समझता था वो चला गया, लेकिन उसकी बर्खास्ती की हम मांग कर रहे हैं और हम इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।